कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड के 14 पंचायतों में कुल 174 बूथों पर 24 सितंबर को मतदान हुआ था, जिसकी मतगणना आज मोहनिया प्रखंड के बाजार समिति दड़वा में चल रही है। यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 12 चेका नाका बनाया गया है, जहां सुरक्षा बल के अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद हैं। मतगणना केंद्र वाली सड़क पर सभी गाड़ियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, सिर्फ प्रशासनिक गाड़ियाँ ही दौड़ेंगी। मतगणना केंद्र के अंदर प्रत्याशी और एक एजेंट आज जाने की सिर्फ अनुमति है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह से वर्जित हैं। मतगणना के लिए 5 हॉल बनाए गए हैं, सभी हॉल में 15 टेबल पर काउंटिंग किया जा रहा है। जानकारी देते हुए कैमूर DM नवदीप शुक्ला ने बताया कि शांतिपूर्वक मतगणना चल रहा है। मतगणना का रिजल्ट जैसे जैसे आ रहा है, RO संतुष्ट होने के बाद रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं। वहीं कैमूर SP राकेश कुमार ने बताया कि 12 चेक नाका बनाया गया है, जहां पुलिस पदाधिकारी मौजूद है, सभी का बारीकी से जाँच हो रहा है। 2 DSP रैंक के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोई चूक नहीं होगी। जीतने वाले प्रत्याशियों से अपील है कि किसी प्रकार का विजय जुलूस नहीं निकाला जाए, कारण कि आचार संहिता लगा हुआ है। अगर जो लोग उल्लंघन आचार संहिता का करेंगे, उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज होगी। काउंटिंग किया जा रहा है मोहनिया में बाजार समिति में, सर इसको लेकर के सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितने पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, क्या क्या विधि व्यवस्था है? इसके लिए कुल 12 पॉइंट्स बनाए गए हैं, 12 जगह पर हम लोगों ने अपने चेक नाका बनाए और टोटल इसमें जो पुलिसकर्मी हैं वो 210 लगे हुए हैं, इसके अतिरिक्त 50 पदाधिकारी लगे हुए हैं और 2 DSP रैंक के ऑफिसर हैं और 7 इंस्पेक्टर रैंक के लोग हैं। इन सबके माध्यम से हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं कि जो मतगणना हो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, और प्रत्याशियों के लिए मेरा यही संदेश है कि मतगणना के उपरांत विजय जुलूस नहीं निकालें, क्योंकि आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता के दायरे में रहें, उसका अनुपालन करें और यदि उसका उल्लंघन करते हैं तो जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाए। सामंजस्य होना जरूरी है। सर आज कितने पंचायतों का हो जाएगा लगभग? अभी इतनी जल्दी इस पर हम लोग कुछ इस पर कमेंट नहीं कर सकते। सर आपका आमजन के लिए क्या संदेश है काउंटिंग के लिए? आमजन को लेकर हमारा यही संदेश है कि जिस प्रकार से विशेष रूप से जो कुदरा की जनता है, जिसने मताधिकार का अच्छा प्रयोग किया, हम लोग आशा रख रहे हैं कि अच्छे जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे। कुदरा प्रखंड में 14 कुछ लोग सर जुलूस वगैरह निकालते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश? उसके लिए कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वह अच्छी करी गई है और इस प्रकार का यदि जो आचार संहिता है अगर उसको तोड़ा जाएगा तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।